अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ खीमा आलू मटर। आप लोग देख सकते हैं ये खीमा है, इसको धो के साफ़ करके रख ली हूँ। ये मटर भी है, छिलके धो के काट के रख ली हूँ। ये प्याज है दो डल्ली कटे हुए, कोतिमीर है, लाल मिर्ची है, मीठा तेल है, हल्दी है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 6-7 हरी मिर्ची। चलिए मैं आज बनाने का तरीका बताऊँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मैं पूरे मसाले डाल चुकी हूँ। अब मेरे खीमे का प्याज का पानी सूखे बाद आप लोगों को बताऊंगा। पूरी अच्छी तरीके से मिला रही हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं ये मेरे खीमे और प्याज का पानी सूख चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है मेरे खीमे का। ये मेरा खीमा गलने के लिए थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, आप लोग देख सकते हैं। ये पानी सूखे बाद आप लोगों को बताऊंगी मैं, ये दो सीटी भी उतार लूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरा खीमा अच्छा गल चुका है, प्याज भी अच्छी भुनी गई है। आहा, क्या खुशबू आ रही है मेरे सालन की, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये मटर डाल रही हूँ मैं, पहले भी बोली थी आपको मैं हमेशा स्टील की कटोरी में आलू गलाने के लिए रखती हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये आलू भी और मटर झटपट गल जाए, आप लोग देख सकते हैं। ये दो सीटी में उतारूंगी, आपको आलू गले खुद बतलाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा मटर भी गल चुका है, आलू भी गल चुके। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा खीमा आलू मटर अच्छी तरीके से बन चुका है। आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए, खुशबू आ रही है मेरे खीमे आलू मटर की, आप लोग देख सकते हैं। अब मेरा ये सालन तैयार हो चुका है, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये खीमा आलू मटर कितना मज़े का बनता है मालूम है आप लोगों को? अगर मेरी तरीके से बनाए तो और ज़बरदस्त बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बना के देखिए, अब मैं आप लोगों को चख के बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।